गुड इवनिंग स्टूडेंट्स यूट्यूब चैनल इंडिया ओल्ड एज में एक बार फिर से आपका स्वागत है आज हम इस वीडियो में त्रिपुरी का कल्चुरी चेदी राजवंश की जानकारी के जो ऐतिहासिक स्रोत हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो आप लोगों को ये वीडियो ध्यान से देखना चाहिए और यदि कोई सुझाव आप लोगों के पास हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हमारे वीडियोस को आप लाइक और शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स तक भी इतिहास विषय से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके तो चलिए पढ़ते हैं त्रिपुरी का कल्चुरी चेदी राजवंश के इतिहास के साधन चंदेल राज्य के दक्षिण में चेदी के कलचुरियों का राज्य स्थित था उसकी राजधानी त्रिपुरी में थी जिसकी पहचान मध्य प्रदेश के जबलपुर ज़िले में स्थित तेवर ग्राम से की जाती है चेदी पर शासन करने के कारण उन्हें चेदी वंश का भी कहा जाता है लेखों में वे अपने को हय वंशी सहस्त्रार्जुन कीर्ति वीर्य का वंशज कहते हैं जिससे लगता है कि वे चंद्रवंशी क्षत्रिय थे ठीक है अब देखिएगा इनकी जानकारी के जो इतिहास के साधन हैं उनको कलचूरी जैदी वंश के इतिहास को हम उसके लेखों तथा साहित्य ग्रंथों से ज्ञात करते हैं इस वंश के प्रमुख लेख इस प्रकार हैं युवराज का बिलहारी का लेख लक्ष्मणराज द्वितीय का कारितलाई अभिलेख कोकल द्वितीय के मुकुंदपुर तथा प्यावा के लेख कर्ण का रीवा का लेख, के लेख कर्ण के वाराणसी तथा गोहरवा से प्राप्त ताम्रपत्र अभिलेख यशह कर्ण के खैरा तथा जबलपुर के लेख इन लेखों में कर्ण के लेख सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं, जो उसकी उपलब्धियों का विवरण देने के साथ साथ इस वंश के इतिहास की भी जानकारी देते हैं कलचुरी नरेश युवराज के दरबार में राजशेखर ने कुछ समय तक निवास किया था तथा वहीं उसने अपने दो ग्रंथों काव्य मीमांसा तथा विद्वय साल भंजीका की रचना की थी इन लेखों के माध्यम से हम तत्कालीन संस्कृति की जानकारी प्राप्त करते हैं इन ग्रंथों में राजशेखर युवराज की मालवा तथा कलिंग की विजय का उल्लेख करते हुए उसे चक्रवर्ती राजा बताया गया है हेमचंद्र के द्वार सर्वे काव्य से कर्ण तथा पाल शासक विग्रहराज के बीच संघर्ष की सूचना मिलती है कृत विक्रमांक देव चरित से कर्ण तथा चालुक्य नरे सोमेश्वर प्रथम के संबंधों पर प्रकाश पड़ता है पूर्व मध्यकालीन भारत में कलचुरी वंश की कई शाखाओं के अस्तित्व का प्रमाण मिलता है कलचुरियों की प्राचीनतम शाखा छठवीं शताब्दी में महिस्मती में शासन करती थी इस शाखा का संस्थापक कृष्णराज था उसका पुत्र बुद्धराज कन्नौज नरेश हर्ष एवं बादामी के चालुक्य के नरेश पुलके द्वितीय का समकालीन था उसके पूर्वजों कृष्णराज एवं शंकरगण का महाराष्ट्र गुजरात राजपुताना कोंकण आदि पर अधिकार था पुलके के सैनिक अभियान ने उन्हें उत्तर भारत की ओर विस्थापित कर दिया इसके बाद कुछ समय तक कलचूरियों का इतिहास अंधकारपूर्ण हो गया था चालुक्यों तथा तो प्रतिहारों के दबाव के कारण कलचुरी बुंदेलखंड तथा बघेलखंड की ओर बढ़े तथा तो कालंजर के दूर पर अधिकार कर लिया किंतु शीघ्र ही प्रतिहारों ने उन्हें वहां से भी हटा दिया था उसके बाद कलचुरी गोरखपुर तथा देवरिया जिलों की भूमि पर पूर्वी उत्तर प्रदेश में फैल गए यहां उनकी सत्ता का संस्थापक राजा राजपुत्र था कहला तथा कश्या लेखों से पता चलता है कि यहाँ दो कलचुरी वंश शासन कर रहे थे गोरखपुर क्षेत्र में इस वंश के शासन का प्रारंभ नौवीं शताब्दी के प्रारंभ में हुआ था राजपुत्र की दसवीं पीढ़ी में देव राजा हुआ राजपुत्र के बाद शिवराज तथा शंकरगण प्रथम राजा बने इनकी किसी भी उपलब्धि के बारे में पता नहीं चल पाया है शंकरगण को ही त्रिपुरी के कलचुरी नरेश कोकल प्रथम ने अभयदान दिया था उसका उत्तराधिकारी गुणाम्बोधि हुआ गुणाम्बोधि ने भोजदेव से कुछ भूमि प्राप्त की तथा युद्ध में गोड़ के लक्ष्मी का अपहरण कर लिया था ऐसा लगता है कि उसने प्रतिहार नरेश भोज की ओर से पालों के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया था इस प्रकार स्पष्ट है कि गुणाम्बोधि तथा उसके उत्तराधिकारी गुर्जर प्रतिहारों के अधीन सामंत थे भामान नामक राजा ने प्रतिहारों के सामंत रूप में धारा के परमार राजा से युद्ध कर ख्याति प्राप्त की इस वंश का दसवां राजा सोढ़ देव हुआ जिसका लेख मिलता है वह एक स्वतंत्र राजा था उसके समय तक गंगा यमुना घाटी में तुर्कों के आक्रमण तथा चंदेलों के विस्तार के कारण प्रतिहार साम्राज्य विनष्ट हो गया था जिससे सोढ़ देव को स्वतंत्र राज्य स्थापित करने में सहायता मिली उसने घाघरा तथा गंडक के किनारे एक स्वाधीन राज्य कायम कर लिया परम माहेश्वर की उपाधि से उसका स्वयं होना सूचित होता है इस वंश का अंतिम स्वतंत्र राजा सोटदेव ही था ग्यारहवीं शताब्दी में कन्नौज के गढ़वाल वंश के उदय के साथ ही करचूरियों का अंत हो गया था इसके साथ ही बनारस तथा कन्नौज से लेकर अयोध्या तक का क्षेत्र गढ़वालों के अधीन आ गया था तो देखिए स्टूडेंट्स ये वीडियो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है अतः वीडियो को आप बार बार देखें हमारा वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद